नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं सेक्टर 19 स्थित पालिका बाज़ार में। दोस्तों, ये चंडीगढ़ का बहुत ही ज़्यादा सस्ता मार्केट है, जहाँ पर आपको विभिन्न वैरायटी के कपड़े और आभूषण, शादी के लिए लहंगे, शेरवानी और बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। कुछ शॉप पे फिक्स प्राइस होते हैं, उनके रेट ऐसे होते हैं कि आपको खुद ही बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो सीधा बोल देते हैं कि 10 रुपये कम नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि उस शॉप में बार्गेनिंग नहीं होती है, लेकिन आपको पता लगेगा कि उसके रेट बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। आज दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी दुकान भी दिखाऊँगा जहाँ पर आप टेम्पर्ड ग्लास, 11D टेम्पर्ड ग्लास केवल 25 रुपये में लगवा सकते हो, बैक कवर केवल आप 40 रुपये में लगवा सकते हो, मेमोरी कार्ड आपको 64 GB का 550 रुपये में मिलेगा, 120 GB का आपको केवल 900 रुपये में मिलेगा। ये जो आपको लड़के खड़े हुए दिख रहे हैं, ये वो शॉप है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इस शॉप से आप बहुत ही सस्ते दामों में मोबाइल गैजेट से रिलेटेड सामान ले सकते हैं, चाहे स्पीकर हो चाहे हेडफोन हो, आपको बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चार्ज में शॉप पे मिल जाता है। तो जब भी आप पालिका बाज़ार आए तो आप इस शॉप पे विज़िट ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस वाली शॉप है। अब आप बाकी शॉप देख ही रहे हैं लोगों की, छोटी छोटी शॉपों में कितना कितना सामान है। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्केट है। यहाँ पर आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि यार, इससे सस्ता मार्केट तो पूरे चंडीगढ़ में हो ही नहीं सकता। चाहे आपको जूते लेने हो, चाहे आपको लेडीज़ बैग लेने हो, बच्चों के बैग लेने हो, बच्चों की कैप्स लेनी हो, बच्चों का कोई भी सामान लेना हो, बड़ों का कोई भी सामान लेना हो, डेकोरेटिव आइटम्स लेने हो, कर्टन्स लेने हो, या फिर पिल्लो लेने हो, पिल्लो कवर लेने हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चार्जेस में यहाँ पर मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं जूतों की कितनी ज़बरदस्त रेंज है। यहाँ आपको 500 रुपये की रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा जूता देखने को मिल जाता है। और अगर आप ब्रांडेड जूता मांगते हैं तो आपको फर्स्ट कॉपी किसी भी ब्रांड की आपको 800-900 रुपये में मिल जाती है, और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं वो जूते भी। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी रिच क्वालिटी है यहाँ पर सामान की, बहुत ही ज़्यादा जूते की वैरायटी देखने को मिल जाती है। और आप एक शॉप पर जाके बहुत ही सारी चॉइसेस के साथ अपना सामान देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस मार्केट की सबसे अच्छी बात ये भी है कि अगर आप सामान देखने के बाद आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लेने को मना भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये जो दुकानदार हैं, ये मुँह वगैरह नहीं बनाते हैं। या आप देख सकते हैं लेडीज़ की अपना चूड़ी, क्रीम पाउडर, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये जो मार्केट है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्केट है। ये बच्चों की टॉय शॉप है, यहाँ पर आपको बच्चों के हर तरह के टॉय देखने के लिए मिल जाते हैं, और आपको जो रेट भी इनके रहेंगे बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट रहते हैं। तो जब भी आप चंडीगढ़ आएँ तो आप पालिका बाज़ार ज़रूर विज़िट करें। हम तो जब भी कोई भी सामान लेना होता है, सबसे पहले हम पालिका बाज़ार ही आते हैं, उसके बाद हम और कहीं जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चॉइस के साथ साथ, वैरायटी के साथ साथ आपको एक जो एक संतुष्टि ये रहती है कि अगर आप किसी सामान को लेंगे भी नहीं ना, तो दुकानदार मुँह नहीं बनाता। कई बार हमें रहता है ना, दुकानदार वो बना लेगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है इस मार्केट की। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कितनी सारी दुकानें सजी हुई हैं, और इस मार्केट में 2 फ्लोर हैं, एक बेसमेंट फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों। तो यहाँ पर आप नाइट वेयर से लेके आप शादी के लिए फुल शॉपिंग कर सकते हैं। फुल रेंज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे पूरी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर की तरफ पूरी पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी में भी आ रहे हैं तो आपको पार्किंग की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, आगे मैं आपको ऐसी शॉप्स भी दिखाऊंगा जहाँ पर आप बहुत ही
रिच क्वालिटी की नाइट वेयर्स और टी शर्ट्स वगैरह जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं वो वहाँ से खरीद सकते हैं। उस शॉप पर बहुत भीड़ रहती है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, उस शॉप पर बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह आप देख सकते हैं शादी का कलेक्शन है, लहंगे लुंगे और शेरवानी वगैरह, ये पूरा लेडीज़ का सवाल था जिसमें वो खुद सज सकती हैं और मेकअप वगैरह कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिट्टू फैशनर्स वालों की दुकान है जो कि शादी के कलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है। तो दोस्तों जब भी आप बनने आएँ तो आप पालिका बाज़ार, सबसे पहले पालिका बाज़ार ही आएँ क्योंकि पालिका बाज़ार में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। ये हमने पूरे पूरे फर्स्ट फ्लोर का आपको दर्शन क्या बोले, हमने आपको पूरा फर्स्ट फ्लोर घुमा दिया है। अब दोस्तों हम बेसमेंट की तरफ जाएंगे और बेसमेंट का भी आपको सारी की सारी शॉप्स दिखाएंगे। ये हम नीचे उतर चुके हैं और हम बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं खन्ना ट्रेडर्स, ये वो शॉप थी जहाँ नाइट वेयर वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइसेस में देखने को मिल जाती हैं। ये हम नीचे मार्केट में जा चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना सारी दुकान यहाँ पर है और कितनी कपड़ों की रिच वैराइटीज आपको देखने के लिए मिल रही है। ये लेडीज की चूड़ी वगैरह की भी दुकान है, ये देख सकते हैं एवरेज वैरायटी के साथ ही दुकान है। और ये सामने जेंट फैशनर्स वालों की दुकान है। तो कुल मिला के इस मार्केट में आपको हर एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाती है। और आप इस मार्केट में आने के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एक ही दुकान में आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, एक ही एरिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप और कहीं क्यों जाएंगे। तो ये इस मार्केट की सबसे अच्छी बात है। और वो जो आपको सामने शॉप दिख रही हैं ये वही शॉप्स हैं जिसके बारे में आपको बता रहा था, नाइट वेयर की और लाइट वेयर की बहुत ही ज़्यादा सस्ती दुकान, जहाँ पर आपको बहुत ही कुमार फैशनर्स, दोस्तों कुमार फैशनर्स के नाम से दुकान है, ये मेलिनी का ब्रांड है, सामने देख रहे हो। इस दुकान में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो सरदार जी की दुकान है यहाँ से भी आपको टी शर्ट वगैरह बहुत ही कम दामों पे मिल जाती हैं। ये टॉय शॉप है, यहाँ से भी हमने बच्चों के लिए टॉय खरीदे थे जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में टॉयज़ मिल गए थे। इस प्रकार दोस्तों पालिका बाज़ार हर एक चीज़ के कलेक्शन के लिए बहुत ही बड़ा बाज़ार है और इसी वजह से इसको पालिका बाज़ार नाम दिया गया है, क्योंकि हमारे देश का सबसे जो बड़ा सबसे फेमस पालिका बाज़ार है वो दिल्ली का है, उसी के तर्ज पर इस बाज़ार को बनाया गया है। और ये उससे कम फेमस पालिका बाज़ार नहीं है। ये मैंने अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीद लिए हैं, मेरी गुड़िया ने भी दो गुड़ियाँ घेर ली हैं पहले ही, तो खूब पैसा खर्च करवाया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से मुझे YouTube का जो पेमेंट आया था उसको मैंने इस तरह खर्च किया है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, खुद के लिए कपड़े जूते जो भी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों वो चीज़ हमने खरीद ली हैं। तो इस प्रकार अगर हमें आपका प्यार मिलता रहेगा तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ सुधार आता रहेगा, क्योंकि इंसान एक दूसरे की हेल्प से ही आगे बढ़ पाता है। तो आप को मैंने जहाँ तक हो सके सारी की सारी दुकान घुमाई दी है दोस्तों। और इस प्रकार सेक्टर 19 का पालिका बाज़ार आपको पूरा का पूरा मैंने दिखा दिया है और पूरा दर्शन करवाने की, पूरा घुमाने की सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी भ्रम या किसी भी तरह का डाउट ना रहे और आप आराम से 19 के मार्केट में घूम पाएँ। ये देख सकते हैं पूरा पूरा मार्केट इतनी सारी वैरायटीज़ के कपड़ों से और नाइट वेयर से और शादी की जो ड्रेसेस होती हैं उनसे, डेली यूज़ की ड्रेसेस होती हैं उनसे, वो
पूरी तरह भरा हुआ है। और आपने देखा कि किस प्रकार ये पालिका बाज़ार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बाज़ार है और यहाँ पे जितने भी वैरायटीज़ उपलब्ध है सारी की सारी वैरायटीज़ मैंने आपको दिखाई हैं और पूरे के पूरे पालिका बाज़ार को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप घर बैठे बैठे पालिका बाज़ार को अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ और आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो ये आप देख रहे हैं, ये ब्लाउज शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की साड़ी के ऊपर हर तरह के ब्लाउज की हाई क्वालिटी का कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको 150 रुपये से लेके 500-1000 तक के ब्लाउज मिल जाते हैं। और हमने लगभग पूरा पालिका बाज़ार घूम लिया है। अब मैं आपको एक शॉप दिखाने वाला हूँ जिस शॉप से आप जेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की टी शर्ट्स, लोअर पैंट शर्ट खरीद सकते हैं और इनके रेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये जो आपको दुकान दिख रही है मेरे लेफ्ट में, ये राइट में दुकान दिख रही है, ये वो शॉप थी दोस्तों। और इस प्रकार हमने पूरा का पूरा मार्केट घूम लिया है और ये एक लास्ट लेन रह गई है जो कवर होने से रह गई थी। अब हम इसको भी कवर करके अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और दोस्तों, आपका चंडीगढ़ से रिलेटेड कोई और टॉपिक की अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे दोस्तों बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस एरिया को भी कवर करूँ और आपको घर बैठे बैठे चंडीगढ़ से उस इलाके में पहुँच कर आपको पूरा का पूरा घुमा सकूँ। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पालिका बाज़ार की इस वीडियो को, पालिका बाज़ार के अंदर के एरिया को ख़त्म करते हुए अब मैं बाहर आ गया हूँ। ये मैं बाहर का एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं और ओपन में भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप अपना सामान जो भी आपके रिक्वायरमेंट है ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में सारा सामान देखने के लिए मिल जाएगा। ये एरिया की सबसे अच्छी बात यही है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ की कई सारी दुकानें मिल जाती हैं जिसकी वजह से आपके पास चॉइस होती है और आपके पास ये आ जाता है कि आप सभी दुकानों में रेट पूछें, रेट का अंतर लगा निकाल सकें और जिसकी आप बेस्ट हो सके जाके खरीद सकें। क्योंकि अगर एक दुकान होगी तो वो अपने रेट फिक्स करके ही रखता है, लेकिन अगर बहुत सारी दुकानें होती हैं तो वो अपना रेट फिक्स करके नहीं रख सकता, उसे पता है कि दूसरा सस्ता दे देगा तो मेरा बिकेगा नहीं। ये जो आपको दोस्तों एरिया दिख रहा है, ये सेक्टर 19 मार्केट का सबसे बड़ा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आप गाड़ी से आइए, कार से आइए, बाइक से आइए, किसी भी चीज़ से आइए, आपको हमेशा पार्किंग मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि यहाँ पर एक भी रुपया आपको पे नहीं करना पड़ता है, ये पूरे का पूरा पार्किंग स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। अब हम दोस्तों सेक्टर 19 के सारे का सारा जो मार्केट है कवर कर चुके हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने अपना एक वीडियो डाला था, उसका लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा, वो था सेक्टर 19 सदर बाज़ार का, वो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा सदर बाज़ार घुमाया है, अंदर से लेके बाहर तक जहाँ जहाँ चीज़ थी वो सब कुछ मैंने आपको विद डिटेल दिखाया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने घर बैठे बैठे पालिका बाज़ार, सेक्टर 19 का बाज़ार, पार्किंग एरिया और सारी की सारी चीज़ों को देख लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सजेशन है हो, कोई कमेंट हो या किसी भी तरह की कोई भी बात हो जो आप पूछना चाहते हैं चंडीगढ़ से रिलेटेड, तो दोस्तों आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको आपके हर एक बात का जवाब दूंगा। ये दोस्तों
पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग एरिया है, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। अब हम अपनी गाड़ी को उठाकर घर की तरफ निकल चलते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।